मेरी विंडो ओपन थी, तो थोड़ी देर पहले जब मैं आउट हूं तब तो सूरज था, लेकिन अभी सडनली 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही बादल आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर भी आई थिंक 13 पे है, 12-13 पे है, ठंड होगी तो नहाना पड़ेगा। सूरज है अभी भी, बादल भी है, सूरज भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। सुबह सुबह उठा हूँ, अभी अभी बस नहा के ही हटा हूँ, लेकिन नींद स्टिल अभी आई हुई है। लेकिन एक सडन प्लान बन गया है कि बेंडिगो जाने का, कुछ काम था उधर। तो बेंडिगो जो है ये मेलबर्न से कोई, मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पे है। और मैंने अभी अभी मैंने मैप पे मैं देख रहा था कि रास्ते में बहुत सारी जगह आती हैं जो घूमने वाली हैं, मज़े वाली हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता जाऊँ, जो जो रास्ते में विजिटिंग स्पॉट्स आएंगे वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। चलिए क्विकली चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर चलें। हाँ जी व्यूअर्स, मौसम बहुत प्यारा है, इस मौसम में ड्राइव का भी अपना मज़ा है। और सेकंडली ये कि अभी अभी मुझे पता चला है कि मेलबर्न से बेंडिगो जाते हुए एक लेक आती है जिसका नाम है एपालोक लेक। तो अभी मैंने गूगल करके देखा है तो उस लेक की पिक्चर्स तो मुझे बड़ी पसंद आई है। तो प्लान ये बना है कि उस लेक पे ज़रूर रुका जाएगा, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट लेक वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दूँगा कि उस लेक पे हम क्या क्या मज़ीद एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं लेक एपालॉक पे। बहुत ही प्यारी लेक है, इधर आके पता चला है कि इस लेक की खूबसूरती क्या है। ये लेक 1964 में बनाई थी एग्रीकल्चर के लिए, और इस लेक का जो टोटल एरिया है वो अराउंड 30 किलोमीटर है। बहुत बड़ी लेक है और मैप में भी ये काफ़ी बड़ी दिख रही थी। और इस लेक की जो गहराई है वो कोई 98 फीट के अराउंड अबाउट है। और इस लेक पे फ़िशिंग भी आप कर सकते हैं और बारबेक्यू भी कर सकते हैं। बारबेक्यू एरियाज़ भी काफ़ी सारे बने हुए हैं इधर फैमिली के लिए, और आप इधर कैंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कैंपिंग आप सिर्फ कैंपर वैन में कर सकते हैं और ओपन कैंपिंग नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। हम पहुंच गए बेंडिगो सिटी में। बेंडिगो सिटी के मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सिटी गोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। 1850 से लेके सन 1900 तक बहुत सारे लोग इधर आके आबाद हुए थे सिर्फ गोल्ड की माइनिंग के लिए। गोल्ड की माइनिंग तो अब भी इधर है, यहाँ से एक ट्राम चलती है शहर से लेके, वो सारा अराउंड शहर के बीच में, और वो गोल्ड की माइन तक वो लेके जाती हैं। अगर टाइम हुआ तो हम उसमें जाएंगे, अगर टाइम शॉर्ट हुआ तो हम फिर कभी जाएंगे। एक पार्क में आए हैं, इसमें भी ये मीनार बना हुआ है। लेकिन इधर अच्छी बात यह है कि हर पार्क में कहीं ना कहीं जो भी विजिटिंग प्लेसेस है ना, वहाँ पे कोई ना मीनार बना होता है। अब ये इस पर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, ये सारी चढ़ के ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा आ रहा है इसका। अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्लोज किया हुआ है, ऊपर नहीं जा सकते। बस इधर से ही थोड़ा सा व्यू आपको इस पार्क का मैं कराता हूँ। ये बेंडिगो के अंदर है, बेंडिगो सिटी है। मेलबर्न से तकरीबन कोई
120 किलोमीटर है शायद। बहुत प्यारी सिटी है, वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ का और सिटी भी बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। पार्क में नीचे आते हुए मैंने देखा कि इधर कोई पार्टी शार्टी हो रही है, विंडिगो पार्टी हायर। ये तो मेरा ख्याल कोई ट्रक है जिसे हम हायर कर सकते हैं विंडिगो पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, नॉट ओनली फॉर विंडिगो। गोरों की कोई पार्टियां हो रही हैं इधर, वीकेंड है ना शायद, इसलिए वीकेंड करके भी ये रश हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग वीकेंड पर पार्कों का ही रुख ज़्यादा करते हैं। पार्क में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम बाहर निकले और डिसाइड किया कि क्यों ना एक दफ़ा सिटी का चक्कर लगाया जाए, देखा जाए कि यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ की मार्केट कैसी है और देखने में ये सिटी कैसी है। देखने में तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, चलें आप भी देखें हमारे साथ। तो व्यूअर्स अभी हम वापस जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया, सिटी बहुत प्यारी सी। आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सिटी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।